कल जो मैंने आपको बताया था सीबीएसई के बारे में बताया था, और उम्मीद ये थी कि सीबीएसई की तरह ही आईसीएसई बोर्ड भी, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था हर काम उसी तरह से करते हैं, तो उसी तरह से अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि वो भी सीबीएसई की तरह ही अपनी मार्किंग सिस्टम लेगा। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था थोड़ा डिफर होगा, क्योंकि सीबीएसई में 5 ही सब्जेक्ट 10th में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 10 होते हैं आईसीएसई की बोर्ड के अंदर, तो थोड़ा डिफर उम्मीद थी। लेकिन आज जो अभी न्यूज मिल रही है, और एक मैं आपको बात बता दूं, ये मत सोचिएगा कि उसने बता दिया, उसने बता दिया वहां से, ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूज न्यूज होती है, वो कहीं से भी आती है न्यूज, और मेन जो चीज होती है उसको एक्सप्लेन करने का, आपको इजी बना के बताने का एक तरीका होता है। न्यूज तो सब जगह मिल जाएगी, थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे अखबार में भी आ गई थी न्यूज, टीवी में भी आ गई थी, तो वो आ जाती है न्यूज किसी के पास 2 मिनट पहले। कल जैसे मेरे वो पहले न्यूज मिल गई थी, मैंने लाइव भी करा था, लेकिन वो बदकिस्मती से आवाज नहीं आ रही थी, तो मेरे को बंद करना पड़ा। सबसे पहले कल मैंने न्यूज वो दी थी, तो आज थोड़ा समय, क्योंकि क्लास ले रहा था अभी बीच में, ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, मैं अभी पढ़ा रहा था तो मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, तो इट्स ओके फॉर दैट। लेकिन अभी जो मेरे को न्यूज मिली है वो ये आपको थोड़ी बहुत मिल गई होगी, मैं एक्सप्लेन उसको करना चाहूंगा। अब जो खबर आ रही है वो ये है, आईसीएससी ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उनका जो मेथड होगा, फार्मूला होगा, वो डिफर होगा आईसीएससी का सीबीएसई से। जो मार्किंग स्कीम का कल मैंने आपको बताई थी मेथडोलॉजी सीबीएसई की, वो फॉलो नहीं करेंगे आईसीएससी वाले, उनसे डिफर होगा उनका। और वो सुप्रीम कोर्ट ने उनका उनको कहा है विद इन 1 वीक दे विल पुट ऑन द टेबल, दिस इज द इम्पोर्टेंट न्यूज। तो मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 1 हफ्ते के अंदर वो जो भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं उसको टेबल के ऊपर रखें या अपनी वेबसाइट पे डालें, तो 1 हफ्ते के अंदर डालेंगे। उसके अलावा जो मुंबई हाई कोर्ट में 29th को सुनवाई है उसकी, वहां पे भी उनको जवाब देना है अभी, तो वहां पे भी वो हो सकता है डिक्लेयर अपनी वो करें। लेकिन अभी ये मोटी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीबीएसई का फार्मूला आईसीएससी में लागू नहीं होगा, वो अपनी अलग मेथडोलॉजी बना रहे हैं, अलग उनका होगा, नंबर 1। अगली बात जो वहां पे है वो ये है कि जैसे कल बात ये हो रही थी, उन्होंने भी बोला था आमतौर पे, उन्होंने कहा कि हम सीबीएसई को ही फॉलो करेंगे, लेकिन कल जो बात हुई थी सीबीएसई ने कहा था 12th को हम लोग मौका देंगे, अगर बाद में कोई बच्चा चाह रहा है इम्प्रूवमेंट के लिए तो दे कैन गिव एग्जाम, तो उसको जब भी नॉर्मल सिचुएशन, अभी नहीं, अभी एग्जाम कैंसिल है ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए बार बार, और वीडियो पूरा देखा करिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरा समझ में आता है, अगर आप बार बार बिना काम के क्वेश्चन पूछते हो जो कि वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका होता हूँ, तो इसलिए, क्योंकि आप 8 मिनट का वीडियो होता है, 2.5 मिनट एवरेज देखते हैं लोग, तो इसीलिए वो कुछ समझ में नहीं आता और बाद में आप परेशान होते हो, तो एक बार 5-7 मिनट देख लिया करिए पूरा ढंग से, एक बार मैं पूरा समझा दूंगा। तो एग्जाम अभी कैंसल है सबके लिए, सबके लिए कैंसल है, अभी कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, बात खत्म। उसमें एवरेज जो भी है मार्क्स, मेथडोलॉजी से मार्क्स दिए जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड आ जाएगी। नेक्स्ट चीज, रिजल्ट की भी आईसीएससी ने बोल दिया 15 जुलाई, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 2 बार मैं बता चुका हूं, 15 जुलाई तक आ जाएगा, अगर पेपर होते हैं तो 15 अगस्त तक में, और पीछे का वीडियो है मेरा देख लीजिएगा, तो 15 अगस्त तक का आना था, लेकिन अब क्योंकि पेपर नहीं हुए हैं तो 15 जुलाई तक रिजल्ट आएगा, तो ये कंफर्म हो गया, आईसीएससी ने बोल दिया 15 जुलाई के आसपास या 15 को वो रिजल्ट अपना देंगे। अगली बात, एग्जाम पूरे कैंसिल हो गए, लेकिन आईसीएससी ने कल के अलावा आज एक बात जोड़ी है कि वो भी बच्चों को, उन बच्चों को जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने रिजल्ट से और उनको लगेगा कि मेरे साथ में सही नहीं हुआ, दे वांट टू इम्प्रूवमेंट टेस्ट, दे वांट टू गिव एग्जाम, तो वो दे सकेंगे। इट इज प्योरली आपकी इच्छा पे डिपेंड है। इम्प्रूवमेंट टेस्ट जैसे पहले भी हम लोग देते थे, 12th वगैरह में बच्चे देते थे, अगर किसी के नंबर कम आए तो अगले साल देते थे, तो इसी तरह जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी उस तरह उस टाइम पे एक कंडक्ट कराया जाएगा एग्जाम, उसमें जिसका मन होगा, जिसको सेटिस्फेक्शन होगा, लगेगा यार मेरे तो 99 आने थे अब लेकिन कम आए हैं, तो अगर ऐसे जो बच्चे होंगे उनकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, ये कोई कंपल्सन नहीं है, उनकी इच्छा से वो बच्चे अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम बाद में दे सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये प्योरली डिपेंड ऑन द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के, और बहुत कम बच्चे देते हैं, जैसे इंप्रूवमेंट का बहुत ही कम बच्चे देते हैं, तो वैसे ही है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन, कोई जरूरी नहीं है। 10th और 12th दोनों को दिया है, सीबीएसई ने सिर्फ 12th को दिया था, आईसीएसई ने 10th और 12th को दोनों को ये मौका दिया है, अगर वो चाहेंगे लेटर ऑन जब भी हो सकता है नेक्स्ट सेशन के साथ में वो एग्जाम में पार्टिसिपेट करके और अपना टेस्ट दे दे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 1 साल बाद 10th का ज्योग्राफी कोई याद रख पाएगा, वहां तक 11th भी पढ़ेगा वो भी याद करेगा इतना, मेरे को तो नहीं लगता, भौतिक कोई एक आध होगा तो दे देगा, तो ये लगभग मतलब फालतू की बात है।
अब आगे मैं बात बता रहा हूं, तो ये चीजें आज निकल के सामने आई है। मेथड जो है वो अलग होगा उनका सीबीएसई से, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। तो तीन चार चीजें मैंने आपको क्लियर सी बताई, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, एग्जाम नहीं हो रहा है, ये बार बार मत पूछिएगा मेरे से एग्जाम कैंसिल हो गया है। अभी एक मैसेज पड़ा था पहले ही मेरे पास में कि एग्जाम हो रहा है सर, आपने तो ये बताया, नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है, एग्जाम नहीं हो रहा है। वो मैं उन्होंने दिया है कि जब नॉर्मल सिचुएशन होगी, अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट के लिए पेपर देना चाहेगा हम ले लेंगे, हम मना नहीं करेंगे। आपके पास अगर आपको ज्यादा दिमाग में खुजली मच रही है कि नहीं मेरा तो सारा रह गया यहीं पे बाहर नहीं निकाला, तो वो निकालने का मौका आपको मिल जाएगा, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो बस यही है मैटर, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जाम बाकी कैंसिल हो गया, आराम से कान में तेल डाल के सो जाइए, अगली क्लास की तैयारी करिए 11th की, ठीक है। बाकी जहाँ पे जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी बिल्कुल एग्जाम ये ओवर हो गया है, उनको मार्क्स मिल जाएंगे। अगली क्लास के आगे क्या करना है उनको, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपको एग्जाम देने हैं, जो दूसरी जगह एडमिशन लेना है, तो उसकी तैयारी करिए, एग्जाम को भूल जाइए। अभी अभी सिर्फ मैटर ये रहा है रिजल्ट का, 19-20 होएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल के प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको आगे क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, इन मार्क्स से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। 12th में भी मार्क्स से कौन एडमिशन देता है आजकल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद मिलता, बाकी और कहीं एडमिशन मिलता नहीं है, सब जगह एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो डोंट वरी, आगे बिल्कुल खत्म हो गया चीज, जैसे ही मेथड आएगा आईसीएसई का उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, वो उसको पूरा तरीके से बताऊंगा कैसे मार्क्स कैलकुलेशन होंगे। तो तब तक आप चिंता मत करिए, शांत होकर बैठिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सीबीएसई का कल क्लियर हो गया था, कैसे होगा आईसीएसई का विद इन 29 तक मोस्ट प्रोबेबली आपका क्लियर हो जाएगा, और 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ रहा है। That's all. Thank you so much.